देखिए, ये जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है, और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई, है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, तो मेरे मन में पहले से ही विचार था, और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। तो मेरे मन में भावना आई कि जब बच्चे दे रहे हैं तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैंने अपने सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं आज ये जो पैसा है इसको दान दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है सर, एक वीरपुर में आपके जिस जिला में दूसरा जो सामने आया, हाँ जी, इस बेसिस से भर्तियाँ होनी है, इस तरीके से वो आपको अभी हम पूरा उसका चार्ट देंगे। धन्यवाद सर। जो आपने इनिशिएटिव लिया है सर, जो आपने इनिशिएटिव लिया है अपनी जमा पूंजी को आपदा कोष को दिया है, आपको लग रहा है कि प्रदेश अपने स्तर पर खड़ा होने? नहीं, प्रदेश अपने स्तर पर खड़ा होगा, मेरी एक भावना रही है। कोरोना काल में भी जब मेरी ऐसी बात थी, उस समय भी था, उस समय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैंने दिया था। एक भावना है मेरी ये, और हमेशा रहती है, और इसमें आज मेरा जब देखा तो मैंने इसको मैंने दान में दिया। धन्यवाद। केंद्र तो मदद कर नहीं रहा है, हिमाचल देखिए, केंद्र सरकार के नियमों के तहत हमारी बातचीत चल रही है, और आशा है कि केंद्र हमारी मदद करेगा। धन्यवाद सर। केंद्र के जो बिल आ रहे हैं।